अब्दुल लतीफ शराब का कारोबारी था, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट्स का आरोपी था, गुजरात दंगों का आरोप भी उस पर था। तब नरेंद्र मोदी कहा करते थे, मैं गुजरात की धरती पर मौत के सौदागरों को चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं तो एक जमाना था, मेरे यहां हर इलाका उस जिले के नाम से नहीं जाना जाता था, हर इलाका जानता था ये लतीफ की गैंग का इलाका, ये मोहम्मद सुरती की गैंग का इलाका, ऐसे ही नाम थे साहब। अब तो खैर लोग भूल भी गए हैं, मैं तो आज मेरे राज्य के अंदर एक भी गैंग जिंदा नहीं है। मैं गुजरात की धरती पर मौत के सौदागरों को चैन से जीने नहीं दूंगा। 87 तक तो उसका कद इतना बढ़ गया कि लतीफ के बारे में हर गुजरात के हर कोने में सबको खबर हो चुकी थी कि अहमदाबाद में एक अब्दुल लतीफ नाम का बुटलेगर है जो अब मुसलमानों का मसीहा बन चुका है। नरेंद्र मोदी की योजना थी कि लतीफ के नाम का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए। 1987 में अहमदाबाद कॉरपोरेशन में चुनाव हो रहे थे, कॉरपोरेशन के चुनाव थे, और नरेंद्र मोदी ने ये तय किया कि वो विकास की बात नहीं करेंगे, वो पानी गटर बिजली की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ लतीफ की बात करेंगे। और उन्होंने गुजरात के लोगों को इतना ही बताया कि ये चुनाव में आप लतीफ को भूलना नहीं। दूसरी तरफ लतीफ इस वक्त जेल में था, अहमदाबाद की साबरमती जेल में था। लतीफ को भी चुनाव लड़ना था, हालांकि कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दिया और लतीफ ने अहमदाबाद की 5 सीटों से चुनाव लड़ा। लतीफ कौम की बात कर रहा था, नरेंद्र मोदी हिंदुओं की बात कर रहे थे। जिस चमत्कार की कोशिश थी उसने आकार ले लिया। इन चेहरों ने मिलकर चुनौतियों के पत्थरों को तराश कर असंभव को साकार कर दिया। गुजरात की जमीन का रंग पहली बार भगवा हो गया था। केशुभाई सरदार पटेल, ईश्वर नामे सौगंध लौं छूं, ईश्वर नामे सौगंध लौं छूं। जब परिणाम आया तब दोनों तरफ से धर्म की जीत हुई। नरेंद्र मोदी की जो योजना थी उसी प्रकार हुआ कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन में पहली बार भगवा लहराया और जेल में बैठा हुआ लतीफ, जो एक भी दिन चुनाव के लिए प्रचार में भी नहीं आया था, वो अहमदाबाद की 5 बैठक पर चुनाव जीत गया। उसके बाद लतीफ का जिस प्रकार भाजपा ने इस्तेमाल किया, आज तक वो डर चालू है लोगों के दिमाग में कि अगर भाजपा नहीं होगी तो मुसलमान मारेंगे, वो डर का इस्तेमाल लतीफ के नाम से खूब किया गया। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी। कुल 182 में से 121 सीटें बीजेपी के खाते में आई। कांग्रेस 45 के आंकड़े पर सिमट गई। यहां तक कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उप मुख्यमंत्री नरहरी अमीन, मनोहर सिंह जडेजा सहित राज्य सरकार के 35 में से 18 मंत्री हार गए थे। अहमदाबाद, भरूच, मेहसाणा, सूरत, वलसाड, बनासकांठा, राजकोट और कच्छ में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। 12 मार्च को बुलाई गई बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव महज औपचारिकता था। केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी की तिकड़ी के सामने कांग्रेस के न तो बड़े बड़े नाम काम आए, न बड़े बड़े नारे, न ही बड़े बड़े नेता। लेकिन इस जीत पर जश्न बीजेपी ज्यादा दिनों तक मना नहीं पाई।